हैं जुपिटर टीवीएस 125 फाइन टॉर्क में टायर आते हैं, बड़े टायर्स हैं जुपिटर, पुरानी वाली जुपिटर से टायर इसके बड़े करती हैं। अब काफ़ी स्पेस की डिग्गी में गया, डबल हेलमेट आप अपना इसमें रख सकते हैं, डिग्गी में इसकी अपना चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं, काफ़ी स्पेस दिया गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टीवीएस जुपिटर 125 सीसी का ब्लॉक। तो हम आपको उसके थोड़े फीचर्स के बारे में बताएंगे, वो स्कूटी दिखाएंगे, अभी नई लेकर के आ रहे हैं हम शोरूम से, तो दिखाएंगे उसके बारे में, थोड़ी फीचर्स बताएंगे, नए नए फीचर्स जो उस गाड़ी में आए हैं। तो आप देखना क्या होता है ब्लॉग आगे, तो ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है जुपिटर टीवीएस 125। ये देखिए, ये जुपिटर 125 आप इसका देख सकते हैं। आप बहुत से चेंजेस कर रहे हैं इस स्कूटी में, हम आपको वो भी बताएंगे। तो ये देखिए स्कूटी, बहुत न्यू लुक में स्कूटी टीवीएस वालों ने प्रोवाइड करी है हमें, मतलब बहुत ज़्यादा अलग ही चीज़ें हैं इसमें। चार्जिंग पॉइंट भी है, यहाँ पे अपना चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं, काफ़ी स्पेस दिया गया है यहाँ पे, अपना नॉर्मली सामान वगैरह फ़ोन चार्जिंग पे लगाने के बाद अपना फ़ोन यहाँ पे रख सकते हैं, स्पेस है। और ये जो स्कूटी ली है भाई ने लिया, हमारे मतलब हमारे साथ ही जो भाई का काम है उन्होंने स्कूटी लिया है, इसकी स्कूटी लेकर के आए हैं, जस्ट अभी शोरूम से लेकर के आए हैं, अभी पूजा वूजा करवाई है भाई ने स्कूटी की। ये देखिए स्कूटी का लुक, मतलब कुछ इस टाइप से है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक लग रहा है हमारी स्कूटी का। ये देखिए स्कूटी में देख सकते हैं, इसमें एक नया फीचर हो रहा है, ये गाड़ी जैसे आप रेड लाइट पर खड़े हुए हैं तो आपकी स्कूटी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, स्कूटी स्टार्ट है, आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं, स्कूटी का स्कूटी स्टार्ट है हमारी। ये देखिए, ये जैसे ही ये ए लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे अपना ग्रीन लाइट में, ये भी थोड़ी देर में ब्लिंक करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक स्कूटी होगी। 2, 3, 4 और 5 ये स्कूटी आपकी बंद हो गई है, स्कूटी आपकी बंद हो चुकी है, देख लीजिए। इंडिकेटर्स आपको दिखा दें, तो ये देखिए इंडिकेटर्स में भी इसके आगे LED लाइट्स है, और प्लस ये देखिए इसके अंदर आपको जो है अंदर नॉर्मल इंडिकेटर चलेगा, आगे हेडलाइट में इंडिकेटर में आपको LED लाइट्स दी गई हैं। देखिए कितना यूनिक सा लुक आ रहा है इसमें, अगर हम चाबी ऑफ करें तो आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए इसमें LED लाइट का मतलब दिया गया हुआ है हमें कि इसमें जो आगे हेडलाइट है, हेडलाइट भी मतलब काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें। स्टार्ट कर लेते हैं इसे, देखिए इसकी हेडलाइट भी मतलब काफ़ी अच्छी है, डबल पॉइंट है, ये डीपर है, ये आपका बड़ा पॉइंट है, ये नॉर्मल पॉइंट है छोटा, दोनों LED लाइट हैं इसमें, LED टैग के साथ है। और इसमें कुछ फीचर्स बता दें आपको, इसके फीचर्स देख सकते हैं आप, इसमें इको पावर का सिस्टम है, ये नॉर्मली हमारी इको पे है, ये रेस लेंगे तो ये इको से पावर पे आ जाएगा। और बाकी इसका मीटर सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ आपको मोड दिए गए हैं, मोड यहाँ सेट करने के, मीटर टाइमिंग आपका जो भी है, इसका फ्यूल टैंक आगे दिया गया है, आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक इसका, ये चाबी प्रेस करके राइट साइड में, राइट साइड में प्रेस करके खोलेंगे तो इसकी ये पेट्रोल का फ्यूल भी ढक्कन ओपन हो जाएगा। और बाकी इसमें आगे डिस्क ब्रेक है, इसमें टायर भी काफ़ी अच्छे हैं, टायर इसमें आपके एंटॉर्क वाले दिए गए हैं, बड़ा साइज 19 नंबर साइज है इनका, जो एंटॉर्क में टायर आते हैं बड़े टायर्स हैं जुपिटर, पुरानी वाली जुपिटर से टायर इसके बड़े करती हैं, आप देख सकते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ इसकी डिग्गी भी, मतलब काफ़ी अच्छी है, डबल स्पेस डिग्गी कर दी गई है इसकी, ये देखो मतलब काफ़ी स्पेस की डिग्गी में गया है, डबल हेलमेट आप अपना इसमें रख सकते हैं डिग्गी में इसकी। इसमें एक चीज़ और है, आप देखेंगे ये चाबी हम ऑन करते हैं तो स्टैंड पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपके साइड स्टैंड पर अगर लगी रहेगी, सेंसर भी आपका ब्लिंक करेगा इसका सेंसर काफ़ी, और आपको मीटर में भी दिखाएगा सेंसर, और सेंसर पर स्कूटी स्टार्ट भी नहीं होगी, देख सकते हैं आप, जैसे हमने एक स्टैंड ऑन कर दिया है तो ये हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं हो रही है ये देखिए, ये स्टैंड हटाया हमने, ये देखिए इस स्टैंड हटाते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। अगर आप साइड स्टैंड पे स्कूटी को दिखाएंगे, ये साइड स्टैंड आपने लगा रखा है, साइड स्टैंड पे स्कूटी नहीं स्टार्ट होगी, और जैसे ही आपने स्टार्ट करी स्कूटी, स्कूटी स्टार्ट है और आपने साइड स्टैंड लगा दिया तो साइड स्टैंड लगाती है आपकी स्कूटी ऑफ भी हो जाएगी। ये भी इसमें कुछ फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं स्कूटी के बारे में।
तो जैसे कि आपने देखा, हमने जुपिटर के बारे में आपको थोड़ी सी नई स्कूटी के बारे में, जुपिटर 125 के बारे में थोड़ी डिटेल दी है। तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं, जिन्होंने भाई ने हमारी स्कूटी बाय करी है, कितने की पड़ी है। तो कितने की पड़ी है आपको स्कूटी? 86,000। तो ये स्कूटी ने पड़ी 86,000 रुपीज की। ऑन रोड प्राइस, इनके पास पुरानी स्कूटी थी एंटॉर्क 125 सीसी, वो भी थी, तो उन्होंने उसको रिप्लेसमेंट करा के स्कूटी बाय करी है। उसकी जो भी फाइन, जो भी जितने में भी गई है वो स्कूटी, उसका रिप्लेसमेंट करके उन्होंने और प्राइस जमा करके स्कूटी बाय करी है। तो स्कूटी के बारे में अपने आपको जितनी भी डिटेल बताई है, उसके लिए हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इसलिए आपके लिए नए नए एक्साइटिंग ब्लॉग्स लाते रहेंगे हम। तो उसके लिए बाय बाय।